हेलो एंड वेलकम। और कैसे मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग बढ़िया मस्त एकदम? बहुत सही, बहुत हार्ड। और बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है? देख करके तो लग रहा है कि नहीं चल रही है। ठीक है, चलिए ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है निशान सर फिजिक्स। आप लोगों को मैं क्लास 12 का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा रहा था, और इसमें गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे। गॉस थ्योरम पढ़ने में हम लोग एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 कर लिए हैं, और एप्लीकेशन 2 में हम लोग कुछ केसेस देखे हैं। ठीक है, पहला केस देखा है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इनसाइड द शेल outside the shell and on the surface of the shell। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी एप्लीकेशन 2 का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सिलेंडर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सिलेंडर। ठीक है, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है और हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग एक सिलेंडर लेते हैं जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। ये हम मानते हैं कि ये हमारा एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा ये सिलेंडर? यूनिफॉर्मली चार्ज। मान लेते हैं हम कि इस सिलेंडर का लेंथ है कुछ L, और इस लेंथ L के ऊपर प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, मान लेते हैं कि सिलेंडर का जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है? L। और L लेंथ पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? हम लोगों ने बोला कि इसके ऊपर प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम मानते हैं कि ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है। क्या है ये? एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से कुछ स्मॉल आर की दूरी पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया है पी, और हमको इस पॉइंट पी पे पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, मतलब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, हम लोगों को ये बताना। और ये हम जानते हैं कि एक गॉसस थ्योरम के एप्लीकेशन से बताना है, और हमको पता है कि गॉसस थ्योरम जो है ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। गॉसस थ्योरम कैसे सरफेस के लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए। अब देखिए, अगर गॉसस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, तो क्या पॉइंट पी क्लोज सरफेस में है? पॉइंट पी क्लोज सरफेस में नहीं है। और अगर पॉइंट पी क्लोज सरफेस में नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को? हाँ, हम लोगों को सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि इस पॉइंट पी को एक क्लोज सरफेस में ले आना है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। आप लोगों को मैंने बताया है कि हम लोग जो क्लोज सरफेस बनाते हैं, इस क्लोज सरफेस का नाम हम लोगों ने कौन सा सरफेस बताया था? हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बताया था। हम जानते हैं कि अगर एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर को क्लोज करने के लिए हम एक सिलेंडर ही यूज करें तो ये ज्यादा बेटर है। हम लोगों ने इस सिलेंडर को एक दूसरे सिलेंडर से क्या किया? कवर अप कर दिया कुछ इस तरह से। ओके, हम लोगों ने इस सिलेंडर को कुछ सिलेंडर से इस तरह से कवर अप कर दिया। ठीक है, और अब हम लोग यहां पे पॉइंटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे।
तो ये चार्ज क्यों है, ये प्लस वन है, यहाँ पे एक फोर्स रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, तो इधर एक फोर्स रहेगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, इस तरफ हो गया। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो हम आपको इस चीज को दिखा भी सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। एक मिनट दिखाते हैं आप लोगों को। आइए इस डायग्राम को हम लोग इससे समझते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है। क्या है ये? लॉन्ग चार्ज सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर से इसका ये एक्सिस होगा, इस एक्सिस से स्मॉल आर की दूरी पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, पॉइंट पी क्लोज सरफेस में नहीं है, तो हमने क्या किया कि इसको इस सरफेस को क्लोज करने के लिए एक दूसरा सिलेंडर लिया, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, और इसको कुछ इस तरह से हम लोगों ने क्लोज कर दिया। हो गया ये क्लोज? हाँ या ना, सही बात है? नहीं, अभी नहीं हुआ। देखिए, इसको ऊपर से भी क्लोज करना होगा, इधर से भी, टॉप सरफेस से भी, और इसको बॉटम सरफेस से, तभी ना, हर तरफ से अगर ढका हुआ होगा उसी को हम लोग क्लोज सरफेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऊपर से भी और नीचे से दोनों तरफ से क्लोज कर देंगे। तो हम मान के चलते हैं कि ये ऊपर से भी क्लोज है और नीचे से भी क्लोज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम यहां पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं पी डैश। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं पी डैश। ठीक है, अब देखिए गॉसेस थ्योरम जो है ये फ्लक्स के बारे में बताते हैं, और हम लोग गॉसेस थ्योरम से जानते हैं ई डॉट डी एस, मतलब स्मॉल एरिया से फ्लक्स। ज्यादा एरिया से निकालना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह का सर्फेस है, एक जो चारों तरफ है ये कर्व सरफेस, और दूसरा प्लेन सरफेस होगा जो टॉप एंड बॉटम में है, होगा या नहीं होगा? दो तरह का सरफेस है, एक कर्व सरफेस है और दूसरा प्लेन सरफेस है जो कि इस सिलेंडर को कवर किए हुआ है, तो टॉप और बॉटम में कैसा सरफेस होगा? प्लेन सरफेस होगा। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हम लोग एक बहुत छोटा सा एरिया ले लेते हैं डीएस। हम लोगों ने क्या किया, एक बहुत छोटा सा एरिया ले लिया डीएस। ठीक है, देखिए जिस तरह का आपको बता रहे थे कि हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले ले रहे हैं। अब कैसा एरिया? एरिया डीएस, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसीडर किया डीएस, और अगर हमको उसको वेक्टर एरिया बनाना है तो वो क्या करना होगा, डायरेक्शन देना होगा। डायरेक्शन देना होगा मतलब एक परपेंडिकुलर इधर जाएगा, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वही ना बनाता है वेक्टर एरिया, हाँ ये ना? ठीक है, तो आइए हम लोग इसको वेक्टर एरिया बनाते हैं, और यहां से परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोल देते हैं एन कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट इसी तरह से यहां पे पॉइंट पी है, पी डैश है, और इस पॉइंट पी डैश पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। हर तरफ से फ्लक्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आइए यहां पे एक छोटा सा सरफेस लेते हैं, और इस स्मॉल सरफेस को हम बोल देते हैं डेल एस। क्या बोल देते हैं स्मॉल सरफेस को? डेल एस। ठीक है, इस स्मॉल सरफेस को हम बोल देते हैं डेल एस। यहां पे भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और मानते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना है, ई डैश है। अब एक बात बताइए, ये अगर टॉप सरफेस है, ये अगर टॉप सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब यहां पे वेक्टर एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, और हम बोल देते हैं एन डैश का ये क्या है, ये पी डैश पे वेक्टर एरिया का डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत होगा तो पूछ रहे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक को आगे लेकर के। लिखेंगे हम लोग कि लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल हैविंग प्लस क्यू
अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज एंड प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, कोई दिक्कत नहीं आता है? नहीं। इसके आगे बढ़ते हैं लोग, पी इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर स्मॉलर फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर वेयर वी वॉन्ट टू डिटरमाइन, वेयर वी वॉन्ट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us cover the point P by Gaussian surface as shown in the figure, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे कि बताइए ई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, अगर पूछे कि बताइए ई डैश वेक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश, यही बोलेंगे ना आप लोग? हाँ या ना? ठीक है, इसके आगे बोलते हैं। अगर आपसे हम पूछे डीएस, तो क्या बोलेंगे आप लोग? सर ये तो स्मॉल एरिया सराउंडिंग पॉइंट पी। जस्ट उसी तरह से डेल एस, क्या बोलेंगे आप लोग इसको? स्मॉल एरिया सराउंडिंग पॉइंट पी डैश। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए पहले हम लोग देखिए, क्लोज सरफेस बनाने के लिए वो कर्व सरफेस भी लेना पड़ा और प्लेन सरफेस भी। अगर हम प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकालें, कर्व सरफेस से निकालें, ठीक है, और दोनों को अगर हम ऐड कर दें, तो क्या हम टोटल इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल लेंगे? है ना, हमको क्या निकालना पड़ता है गॉसियन थ्योरम के लिए? तो वो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस ये किसके बराबर होता है? ये बोलता है कि नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस के बराबर होता है। हम मानते हैं कि ये जो हमने सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर का लेंथ है कुछ z, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इस क्लोज सिलेंडर, ये जो क्लोज सरफेस लिए हम लोग, अगर हम यहां से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल ले, तो हम क्या करेंगे? हजार इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम इस क्लोज सरफेस से निकाल ले, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना। तो कर्व सरफेस और दोनों प्लेन सरफेस मिलाकर के क्या हो जाएगा? एक क्लोज सरफेस बन जाएगा, बनेगा ना। तो हम पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट गिवन एरिया, ठीक है ना, यही होता है। क्या हो जाएगा ये? This is equal to E dash del S, E dot del S क्या आ जाएगा? E dash del S into cos theta। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे electric field और vector area के बीच में angle कितना है? कितना का angle है यहाँ पे बताइए तो आप? हम अगर देखें तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि यह angle कितना है? 90 degree है। तो हम यहाँ पे इसको लगा देंगे E dash del S into cos 90। cos 90 का value 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन एरिया कितना मिलेगा हम लोगों को? E dash dot del S, this is equal to 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस
थ्रू प्लेन सरफेस, ये तो हम लोगों ने डेलेस एरिया से निकाला है। अगर टोटल से निकालना होगा तो क्या हो जाएगा वो, सर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ओवर प्लेन सरफेस E डैश डॉट डेलेस दिस इज इक्वल टू कितना, जीरो ही आएगा। जीरो को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो आप लोग इतनी चीजों को पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेन सरफेस से हम लोगों ने निकाल लिया फ्लक्स कितना है, जीरो है। अगर टॉप से जीरो है तो बॉटम से भी कितना होगा, जीरो। दो प्लेन सरफेस है टॉप एंड बॉटम पे, टॉप से जीरो है तो बॉटम से भी कितना होगा, जीरो ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब इस कर्व सरफेस से निकालेंगे, पहले छोटे से सरफेस से निकाल लेते हैं, बाद में उसको जैसे पहले इंटीग्रेट किए वैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल कर्व सरफेस ds कितना होगा, देखिए E डॉट ds दिस इज इक्वल टू E ds इनटू cos थीटा। अच्छा मेरी बात बताइए कि थीटा कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम लिख सकते हैं कि E डॉट ds इज इक्वल टू E ds इनटू cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, cos 0 का वैल्यू हम लोगों को पता है ये 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा E इनटू ds। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने स्मॉल एरिया का फ्लक्स निकाल लिया है, क्या हम टोटल कर्व से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ कर्व सरफेस, कमिंग आउट ऑफ कर्व सरफेस, तो आप क्या बोलेंगे सर, ये तो होगा E डॉट ds का इंटीग्रेशन ओवर कर्व सरफेस दिस इज इक्वल टू E ds इंटीग्रेशन ओवर कर्व सरफेस। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर रखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, E डॉट ds दिस इज इक्वल टू E इनटू कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r इनटू हाइट। इस जो छोटा सा सिलेंडर है, हम लोग जो क्लोज सरफेस बनाया इसका हाइट कितना लिए हैं, हम लोग z लिए हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सरफेस E डॉट ds दिस इज इक्वल टू E इनटू ds का इंटीग्रेशन 2 पाई r, क्योंकि सिलेंडर का जो रेडियस है वो r है और हाइट कितना है z। ठीक है, हम लोगों ने प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, हम लोगों ने कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस तो आप क्या बोलेंगे सर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस E डॉट ds का साइक्लिक इंटीग्रल, ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस E डॉट ds प्लस 2 इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस मतलब E डैश डॉट ds। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस थ्रू क्लोज सरफेस दिस इज इक्वल टू कर्व सरफेस में कितना निकाल रहे हैं E इंटू 2 पाई r इंटू z प्लस 2 इंटू प्लेन सरफेस में कितना निकाले थे, जीरो। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, E डॉट ds दिस इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई r इंटू z। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप इस चीज को भी कॉपी करेंगे फास्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सर्किट तक निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट फ्रॉम गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम हम लोगों को क्या बोलता है, बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सर्फेस ये कितना होता है, ये होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा क्लोज सर्फेस तो यही वाला है। बहुत लोग के मन में ये विचार अभी चल रहा होगा कि सर सिलेंडर को क्लोज करने के लिए हम लोग पूरा क्यों नहीं क्लोज किए, आगे अभी वो भी बता देंगे कि हम लोगों ने क्यों नहीं क्लोज किया। ठीक है, बहुत लोग के मन में चल रहा होगा सर आप इतना ही दूर क्लोज किए, चार्ज तो इधर भी है चार्ज इधर भी है, बट आप लोगों ने उसको क्लोज नहीं किया। ठीक है, आपने उसको क्लोज नहीं किया तो ऐसा आखिर क्यों, आपने सिर्फ इतना ही बड़ा रीजन क्लोज क्यों किया है, तो उसके बारे में आपको हम बता देंगे। देखिए चलिए, हम लोग को निकालना है चार्ज इनसाइड द क्लोज सर्फेस, यही निकालना है। एक बात बताइए एल लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, वन लेंथ पे कितना होगा, क्यू बाई एल होगा। जेड लेंथ पे कितना चार्ज होगा, जेड लेंथ पे होगा क्यू बाई एल इंटू जेड, कोई दिक्कत नहीं आ सकता नहीं। तो क्यू इनसाइड कितना हो गया, देयर फॉर क्यू इनसाइड हम लोगों को मिल गया। अगर जेड लेंथ पे ही चार्ज निकालना ना, जेड लेंथ पे कितना चार्ज होगा तो हमको कितना मिल गया, Q by L into Z। ठीक है, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore electric flux through closed surface E dot ds this is equal to Q inside कितना है, Q by L into Z divided by epsilon naught। ठीक है, इसको बोल देते हैं equation number 2। तो from one and two वन और टू से हम बोल सकते हैं कि E into 2 pi R into Z this is equal to Q by L into Z by epsilon naught। दोनों को हम लोगों ने क्या किया, इक्वेट कर दिया। अब देखिए ये Z और ये Z कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, E is equal to 1 by 2 pi R को इधर कर देते हैं तो 1 by 2 pi R into Q by L into epsilon naught। इसको मान लिख सकते हैं E is equal to 1 by 2 pi epsilon naught into Q by L into Q by L into 1 by R। देखा सकते हैं क्या, अच्छा ये देखिए पढ़े क्या कहीं पर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को आप क्या बोलते हैं, लैम्डा, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। हाँ ये ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, और इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। देयरफॉर हम लिख सकते हैं E is equal to 1 by 2 pi epsilon naught Q by L के जगह हम लोगों ने लगा दिया lambda divided by R। ठीक है, since ऐसा कैसे हो गया, since lambda is equal to Q by L, चार पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लास्ट क्लास में हम लोगों को बताया। अब देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सिलेंडर किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे डिपेंड कर रहा है, इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना। क्या क्या बोले हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ये लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। क्या ये सिलेंडर के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं ना डिपेंड कर रहा है, ये सिलेंडर के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने ये जो क्लोज सर्फेस लिया इसका साइज अपने हिसाब से कुछ ले लिया, पूरे सिलेंडर को हम लोगों ने क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग पहले इन सब चीजों को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सिलेंडर डिपेंड्स ऑन नंबर वन में किस पे, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज पे, और दूसरा किस पे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर।
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इन सारी चीजों को आप लोग कॉपी करेंगे। इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसके आगे लिखेंगे कि एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस चीज से इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है लेंथ ऑफ द सिलेंडर से, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये किस चीज से इंडिपेंडेंट है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर से ये इंडिपेंडेंट है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज मुझे बताएंगे। पहले आप लोग इन सारी चीजों को कॉपी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग देखेंगे कुछ। देखिए, हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ये जो है 1/2πε0 × λ/r। ठीक है, कोई भी बॉडी लेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी उसकी कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर आपसे हम पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग चार्ज सिलेंडर की वजह से किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? सर आर पे। मतलब यहाँ पे E is inversely proportional to R, और अगर inversely proportional to R है, मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करते जाएंगे। आइए हम इसका ग्राफ बना करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। इनसाइड द सिलेंडर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर इनसाइड द सिलेंडर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, है ना? इनसाइड द सिलेंडर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं है तो फील्ड कहां से? आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आर जैसे सरफेस पे पहुंचेंगे तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां सरफेस पे आर का ये मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैक्सिमम होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ग्राफ क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। जस्ट इसी तरह से इधर भी होगा, दोनों साइड हम लोग जा सकते हैं ना। तो ये है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। यहाँ पे E is inversely proportional to R है, यहाँ पे चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो है, और इसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है? जीरो लिया है। इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे लोग। एक क्वेश्चन लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। बताया है यूनिफॉर्मली चार सिलेंडर हैज लेंथ 100 सेंटीमीटर। चार सिलेंडर है जिसका लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर है, और लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज हमको दे दिया है, तो ये एक-एक करके गिवन डाटा लिखते हैं हम लोग। लेंथ हमको कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा कितना दिया है? 1/3 कूलम पर मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, मतलब आर का वैल्यू दिया है कितने दूरी पे? 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 × 10⁻²⁰ मीटर की दूरी पे। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है? सिलेंडर का रेडियस हमको दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो एल और आर से तो कुछ काम है नहीं हमको, क्योंकि फॉर्मूला में हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/2πε0 × λ/r। सर 1/2πε0 का तो वैल्यू नहीं जानते हैं, 1/4πε0 में जानते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे हम, 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2/4πε0 × λ/r। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 × 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻¹। लैम्डा, लैम्डा कितना दिया है? 1/3 इंटू आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है 18 × 10⁻²। ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 2 कितना हो जाएगा? 6।
तो यहाँ पे यहाँ कट करेंगे 3 6 2 1 2 3 कितना आ गया 1/3 × 10^9 और ये -2 पर जाएगा तो +2 कितना आ गया ये 1/3 × 10^11 इतना न्यूटन पर कूलम। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कभी 2 मार्क्स में कभी 3 मार्क्स में, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सिलेंडर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कुछ भी करें, और जो भी डाउट्स है उस डाउट्स को पूछे, डाउट्स को अपने पास रखे नहीं। और आप लोग प्लीज पढ़े भी। मैंने कुछ लोगों को कॉल किया तो बोले सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आपके पास एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे होंगे, बट एक्सक्यूज से जिंदगी नहीं चलती है, ठीक है। हम भी एक्सक्यूज दे सकते हैं कि सर अरे बच्चे लोग देखो लॉकडाउन है, कैसे पढ़ाए, क्या करें क्या नहीं करें, पर कुछ कुछ अलग 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 जुगाड़ लगा लगा करके आप लोग को हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज एक्सक्यूज ना दें और प्लीज पढ़ाई करें और रेगुलर पढ़ें, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।